अब देखिए, इस बीच एक खबर नारनौल से सामने आई है। नारनौल में ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी और सीआईडी नारनौल का एक्शन सामने आया है। बखरीजा खनन क्षेत्र से 9 ओवरलोडेड वाहन मिले हैं। संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई सौंप दी गई है। नारनौल में ओवरलोड वाहनों पर ये बड़ा एक्शन सामने आया है। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी की टीम भी मौजूद थी। 9 ओवरलोड डंपर जिनको काबू में किया गया है। देखिए, कानून बनने के बाद, कड़ी कोशिशें होने के बाद भी अवैध खनन पर लगाम लगा पाना मुश्किल हो रहा है। ये खबर ऐसा बता रही है जिस तरह से बखरीजा खनन क्षेत्र से 9 ओवरलोड डंपर काबू में हुए हैं। संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई जो है वो सौंपी गई है। नारनौल का ये मामला ओवरलोडेड वाहनों पर बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। मेरे सहयोगी शुभम शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, 9 ओवरलोडेड डंपरों को काबू में किया गया है, अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, यह खबर बता रही है? देखिए सृष्टि मेहता, ये नांगल चौधरी विधानसभा का बखरीजा गांव है जहां ओवरलोड डंपर धोलेडा क्रेशर जोन और बखरीजा जोन से रोज 100-150 डंपर रात दिन निकलते हैं, जिससे काफी संख्या में लोगों की यहां मौत भी हो चुकी थी। लेकिन ओवरलोड डंपर अंकुश लगने का नाम नहीं है। कहीं ना कहीं सवाले निशान ये प्रशासन पे खड़ा होता है कि प्रशासन की मिलीभगत है या किसी अधिकारी की मिलीभगत के कारण ये ओवरलोड डंपर निकलते रहते हैं। और ऐसे मामले अनेकों दिन होते रहते हैं, जिसको लेकर हमने इसका जब हमने अधिकारियों से पता करने की कोशिश की कि पूछने का सवाल पूछा, तो अधिकारी कैमरे से बचते हुए साफ नजर आए, क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते हैं कि किसी ओवरलोड डंपर संचालक पकड़ में आए, इनका चलान हो, क्योंकि इनकी मंथली पहले सेट रहती है। एक व्हाट्सएप का इनको गिरोह रहता है, उससे इनकी जानकारी साझा होती रहती है कि ओवरलोड आरटीओ यहाँ है, अब नहीं है, प्रशासन यहाँ है नहीं है, इसको लेकर ये बाईपास होते हुए निकलते रहते हैं। और नांगल चौधरी, यहाँ पुलिस की भी बात की जाए तो पुलिस ओवरलोड डंपर पे कोई कार्रवाई करती नहीं है, क्योंकि कार्रवाई करती तो ओवरलोड सैकड़ों डंपर रोज शहर से बीचों बीच निकलते हैं, पुलिस कार्रवाई करती तो पकड़ में आते। लेकिन आज आरटीओ ये संयुक्त कार्रवाई सीआईए द्वारा की जा रही है, जिसको तो शुभम ऐसे अधिकारियों पर भी एक्शन जरूर होगा जो जिनकी मिलीभगत इस तरह के मामलों में सामने आती है। जी जी, ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तो संबंधित विभागों को जांच जो है वो सौंप दी गई है। नारनौल में ओवरलोड वाहनों पर बड़ी कार्रवाई का यह मामला सामने आया है।